10th एग्जाम आपके लाइफ का सबसे इजीएस्ट एग्जाम होगा और आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे। और मैं बता दूं, आगे किसी भी तैयारी करते हो ना, क्लास 10 का मार्क्स देखो, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ ऐसे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं जो कि क्लास 10th में 97.6% लाए थे, वो भी मात्र 3 मंथ में पढ़ के। मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, कौन से बुक को भैया ने फॉलो किया था, कौन से मॉडल पेपर को लगाया था और कौन से बुक को अभी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, एट द एंड तुमको पता नहीं चलेगा करना क्या है, सबको क्या करता है, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब के चक्कर में पड़ जाता है। चलिए मैं भैया से बताता हूँ, लगभग सारे सब्जेक्ट में 95 से ऊपर ही है भैया का, ठीक है। मैं आप उससे कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। हाँ भैया, किस किस बुक को फॉलो किए थे, लास्ट टाइम में क्या किए थे, क्योंकि मैं बता दूं पूरा ईयर्स ने नहीं पढ़ रखा था, सिर्फ लास्ट के 3 मंथ में पढ़ के भैया ने 97% लाया है, तो आप भी ला सकते हो। और मैं आपको बता दूं, क्लास 10th एग्जाम आपके लाइफ का सबसे इजिएस्ट एग्जाम होगा और आप इसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे। और मैं बता दूं, आगे किसी चीज का तैयारी करते हो ना, क्लास 10th का मार्क्स तेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। चलिए मैं भैया से बात करता हूं, भैया किस किस चीज को फॉलो किए थे, कितने मॉडल पेपर को लगाए थे और कौन से बुक को भैया फॉलो किए थे और क्या क्या किस सारे डिटेल को मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। मेरे को नहीं लगता इस इंटरव्यू को देखने के बाद तेरे को कोई भी डाउट होगा, हाँ कैसे मतलब 95% बोर्ड में लाया जाए। सबसे इजीएस्ट एग्जाम आपका लाइफ का बोर्ड का एग्जाम होगा, वो भी क्लास 10th का। अगर फॉलो करते हो, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, 90% से ऊपर आपका जरूर आएगा। चलिए उससे बात करता हूँ। चलिए प्रिंस, अपने बारे में कुछ बताइए आप। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। पहले तो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और मेरा जैसे आपने बताया कि 10 में 97.6% आए थे, और ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने लास्ट 3 to 4 months पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत सारे सवाल पर सॉल्व किए थे, उसके कारण अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैं जानना चाहूंगा, होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आरडी शर्मा, सिंगे, पियर्सन, इस टाइप का बुक बनाने लगते हैं। जब मैं खुद का बात करूं, मैथ में लगभग मेरा तो मेरा ड्रीम था आईआईटी, इसी कारण से मैं लगभग पियर्सन सबका बुक सॉल्व करता था। मैं जानना चाहूंगा, बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए, स्पेशली फॉर बोर्ड, नॉट फॉर आईआईटी और जेईई मेंस, इस टाइप का बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए कौन सा बुक आप सजेस्ट करोगे, आपने किस बुक को फॉलो करके मतलब मार्क्स लाए हैं आप? एनसीईआरटी और ज्यादा से ज्यादा आरएस अग्रवाल सॉल्व करो, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सैंपल पर लगा, बहुत सारे सीबीएसई के सैंपल जो रिलीज होते हैं उसको लगाना है। अच्छा, उससे पहले ना वीडियो को और आगे लेके जाए, उससे पहले मैं बता देता हूँ भैया कितना कितना मार्क्स है, भैया से बात करते हैं कितने कितने मार्क्स आए। मैथ में कितना मार्क्स आपके हैं? मैथ में 99 आए थे, साइंस में 96 और इंग्लिश 95 आए थे, और सोशल और संस्कृत में 99। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में आपका मार्क्स खराब हो गया, वरना आप भी एक टॉपर हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, आप एक चैप्टर को कितने बार फिनिश किए थे एट द एंड एग्जाम तक? ऐसे स्पेसिफिकली तो एक चैप्टर 2-3 बार तो किए मैंने, जो जो जैसे ट्रिगो हो गए, जो जो हार्ड चैप्टर थे उसको मैंने बहुत बार बनाया था, जैसे 5 times बनाया। तो मतलब मेन फोकस आपका आरएस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी, किस पे था? पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ, उसके बाद टाइम बचे तो आरएस बनाऊ, उससे ज्यादा बोर्ड के लिए तो नहीं चाहिए उसके लिए, उससे ज्यादा। होता क्या है ना, लास्ट टाइम सबको डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि सबका सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और सब भी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में तुम्हारा एस चंद, ये सब बुक को लेकर बैठ जाता है। आप लास्ट टाइम में क्या बच्चे को मोटिवेट करोगे, क्या किस तरह भैया कुछ तैयारी नहीं कर रखा है, तब किस चीज को फॉलो करके मतलब मैक्स टू मैक्स मतलब 90% तक वो ला ले? से स्टिक रहो, एनसीईआरटी मैथ बनाओ एनसीईआरटी की, और साइंस पढ़ो, साइंस तो रीडिंग करना जरूरी है एनसीईआरटी स्पेशली, और सोशल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। सोशल के लिए तो एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी जो है ना टफ होती है, तो उसके लिए तुमको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना करना पड़ेगा, उसके बाद एनसीईआरटी बनाओ। आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया बहुत सारा, तो जल्दी भी वीडियो से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे इंडेक्स क्वेश्चन सब होता है ना, कितना इंपॉर्टेंस रहता है खासकर के बोर्ड के एग्जाम के लिए? हाँ, वही सेम टू सेम क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं बोर्ड में, मैंने देखा इंडेक्स आते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। ओके, सच में ये मैं भी बताना चाहता हूँ, नहीं क्लास 9, 10, 11, 12 तो एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाओगे। बहुत सारे बच्चे का ये रहता है ना, क्या करता है, सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं करता है। प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है आपका बोर्ड के एग्जाम में? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर ही, बहुत सारे बच्चे तो ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, प्रीवियस ईयर लगा के अच्छे खासे मार्क्स ले आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, आप प्रीवियस ईयर लगाए थे? हाँ, मैंने लगाए थे, मैंने लास्ट 5 years लगाए थे। उससे आपका मार्क्स इंप्रूव हुआ था, मतलब होता है ना, मतलब कुछ सॉल्व कर रहे थे, कॉन्फिडेंस मिला था आपको प्रीवियस ईयर लगाने से? हाँ, बहुत बहुत मिलता है उससे, टाइम बाउंड और टाइम बाउंड में लगाने से तो और कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, आप कितना प्रीवियस ईयर लगा रहे थे एक दिन में?
एक दिन में ज्यादा नहीं, एक जैसे मैथ बनाया तो एक दो बना ली और उसके बाद साइंस बना लिया एक। आप मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर फॉलो किए थे, संस्कृत के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए प्रीवियस ईयर फॉलो किए थे? हाँ, इंग्लिश और सोशल साइंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती प्रीवियस ईयर, मैथ और साइंस ये इम्पोर्टेंट रहती है प्रीवियस ईयर। संस्कृत का प्रीवियस ईयर लगाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी अपने टाइम में संस्कृत का प्रीवियस ईयर लगाया था, मैथ्स टू मैथ्स मेरा संस्कृत में आया था। क्या आप क्या संस्कृत में प्रीवियस ईयर लगाए थे? हाँ लगाया था, ऐसे संस्कृत की क्वेश्चन जो होती है सीबीएसई में वो बहुत ईजी आती है, उतनी हार्ड नहीं आती है, तुम लगभग 15 दिन पढ़ लोगे उसके लिए तो काफ़ी। ये बताओ आप लास्ट टाइम में क्या रूटीन फॉलो करते थे? लास्ट एक मंथ में रोज 7 से 8 घंटा पढ़ता था और सैंपल वर्क आउट करना, सभी से बैठ के एक एक दिन करके पढ़ता था। स्कूल जाना छोड़ देते, स्कूल भी जाते थे? स्कूल तो लास्ट टाइम ऑफ ही रहता था तो जाना तो नहीं पड़ता। अब मतलब मेरे मतलब जैसा आप बोल रहे हैं तो मैथ्स टू मैथ्स आप फोकस किए थे एनसीईआरटी पे, सैंपल पेपर पे? पहले तो एनसीईआरटी अप टू 95% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स आना है तो उसके बाद उनसे बल बढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी तो फिर सैंपल पेपर आने कोई मतलब नहीं रखता। अंकित भैया ने लगभग सारे चैप्टर को कवर कर रखा है और एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया है, अगर तुम बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड में कैसे मैथ्स टू मैथ्स मार्क्स लाया जाए, लगभग सीबीएसई बोर्ड में हो तो उसमें कैसे मैथ्स टू मैथ्स मार्क्स लाया जाए। मैं आपको बता दूं अंकित भैया 2018 से टीचिंग लाइन में है, उसने बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे का मोर देन 90% बोर्ड में आया है, बहुत सारे बच्चे बीएचयू में भी है। ऑलरेडी अंकित भैया बीएचयू का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, अगर आप तुम क्लास 10 पास आउट की हो, तुम भी चाहते हो बीएचयू का तैयारी करना तो वीडियो को फॉलो कर सकते हो। और मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम फॉलो करते हो तुम भी बीएचयू में रहोगे या बोर्ड में मैथ्स टू मैथ्स मार्क्स लाओगे। भैया लगभग कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले सीरीज को तुम फॉलो कर सकते हो और जितने भी 10th 12th के जितने भी थ्योरम है सब थ्योरम को बैठ दे करके डाल रहे हैं, प्लीज तुम थ्योरम को देखो और बोर्ड में क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो इंपॉर्टेंस रखता है, ये नहीं है तुम कैसे कैसे बना दोगे, आंसर तो तुम ला ही दोगे, स्टेप क्या फॉलो करना पड़ता है वो अंकित भैया बताया। बताओ तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे लास्ट टाइम के लिए, किस कितने आवर पढ़ना चाहिए, जो कि होता क्या देखो वीडियो को वही देखते जो मतलब लास्ट मिनट में कुछ नहीं कर रहे, तुम क्या सजेस्ट करोगे क्या करना चाहिए बच्चे को, कितने समय खेल पे देना चाहिए, कितने समय पढ़ाई पे, कितने समय सैंपल पेपर पे? लास्ट टाइम तो वो मतलब 7 to 8 hours तो रोज चाहिए और स्लीप आवर भी चाहिए 7 to 8 hours, उसके तो उसके बाद तुमको एक आवर खेलना भी चाहिए एक आवर। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, बोर्ड का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारे लाइफ में? बाद में बोर्ड का मार्क्स मोटिवेशन देती है ना, तो 10 में से अच्छा ले आए तो 12th में भी अच्छा ले पाऊँ, उसका जेईई नीट है। मतलब बोर्ड का मार्क्स इंपॉर्टेंस रोल करता है? हाँ एकदम करता है। मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंकित भैया, कंटेंट आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो लास्ट टाइम बोर्ड के लिए उससे बात की थी, उन्होंने सजेस्ट भी किया था तो उसी चलते ही। अब बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे अंकित भैया का कंटेंट किस तरह से देखना चाहिए? नहीं जहाँ प्रॉब्लम होता है तुम उनकी वीडियो देखो, अच्छा होता है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज तुमसे ये है, इस चैनल के रिगार्डिंग बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे? नहीं चैनल्स में अच्छे अच्छे भैया कंटेंट डाल रहे हैं अभी और कुछ दिन में और डालेंगे और इस चैनल को फॉलो करोगे तो मेरे से मार्क्स ले आ सकते हो बोर्ड में फ्यूचर में। थैंक यू प्रिंस, तुम हमारे चैनल पे आए, अपना कीमती समय दिए, बस तुम बच्चे को सजेस्ट भी किया किस तरह से तुम फॉलो करके 97% लाए थे, बस अगर तुम्हारा कभी भी फिर से नीड होगा जरूर तुम्हारे तुमको अपने चैनल पर बुलाएंगे, बस गुड विशेस फ्रॉम माय साइड, क्लास 12th में अच्छा करो जिससे कि तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे फैमिली को अच्छा लगे, तुम्हारे सोसाइटी को अच्छा लगे। थैंक यू प्लीज, थैंक्स। दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने एक से दोस्त को शेयर करना जिससे उसका भी हेल्प हो सके। मैं ट्राई करूंगा अंकित भाई जितने बच्चे को पढ़ा चुके हैं उस सभी को अपने चैनल पे इनवाइट करूं, वो क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, कैसे 95% लाना है बोर्ड में, इस सब रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आप इस सीरीज को अगर फॉलो करते हैं मैं सियोरिटी के साथ बोलता हूं आप बोर्ड में मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाओगे। और अगर तुम क्लास 10 पास आउट हो चुके हो, बीएचयू या कोई भी कॉम्पिटेटिव तैयारी करना चाहते हो, भैया का सीरीज को फॉलो कर सकते हो। भैया जैसे ऑलरेडी बिट सेट के रिगार्डिंग, लॉजिकल रीजनिंग सब चीज के रिगार्डिंग भैया वीडियो बना रहे हैं, बस थोड़ा टाइम चाहिए। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अपना एक लाइक दे सकते हो जिससे कि मैं मेरे को और अच्छा लगे, हाँ मेरा वीडियो अच्छा है किसी को अच्छा लग रहा है वो लाइक कर रहा है। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।